अगर पाकिस्तान में ही मर जाता तो अच्छा होता मेरे लिए, ये लग रहा है। सर मैं पाकिस्तान में कैप्चर हुआ था, वही सोल्जर हूँ जो सर्जिकल स्ट्राइक के दिन पाकिस्तान में कैप्चर हुआ था। 90 दिन की सजा भी काटी, उसके बाद मुझे अहमदनगर में मेंटल हॉस्पिटल में भेजना, बार बार उसको टॉर्चर करना। आज इन जवानों के पास अपना घर परिवार चलाने के एक रुपया भी नहीं है, इसलिए हमने आज इंडिया गेट से यात्रा शुरू की थी। वहां से हमने भीख मांगना शुरू किया था ताकि हम भीख मांग के अपने परिवार चला सके और कुछ पैसा इकट्ठा करके सब जवान अपना वकील कर सके और न्याय मिल सके। लेकिन हमें कोई भी दोषी नहीं है, सब निर्दोष है। तेज बहादुर ने खाने की रिपोर्ट की तो उसने उसको डिसमिस कर दिया। उन्होंने कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ, मोहम्मद जलील ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आरोप उजागर किया तो उनको 11 चार्ज दे उनको डिसमिस कर दिया। इन्होंने जो है कुछ उजागर किया तो इनका बिगर इंक्वायरी के इनको घर भेज दिया, कंपल्सरी रिटायरमेंट कर दिया। मुझे एक्सेस मनी के झूठे आरोप में फंसा करके कंपल्सरी रिटायरमेंट, पर अभी तक मैं चुप था कि मैं सेना में था। इसलिए जोश में आके होश खो बैठ के पाकिस्तान में मारने के लिए जाता है, वो कभी उसकी बुजदिली नहीं हो सकती। मैं बुजदिल नहीं था जो गया था, उधर भी सजा काटी मैंने। तो हमको न्याय चाहिए बस, न्याय। लेकिन न्याय पाने के लिए हम भीख मांग रहे हैं। इनके माता पिता जी बचपन में गुजर गए थे, इनकी नानी ने इन्होंने पाला पोसा। जब उनकी नानी जी को ये पता लगा कि पाकिस्तान चले गए, वो भी गुजर गई, अब ये घर में अकेले। और जब हमारे खुद के अधिकारी इनको 90 दिन का जेल डालने के बाद, उसके बाद इनका मोबाइल नहीं देना, मेंटल हॉस्पिटल भेजना, तरह तरह की यातनाएं देना, ये कहाँ की मानसिकता। जब से पाकिस्तान से आया हूँ तब से मेरे साथ जो बरता हुआ बहुत खराब हुआ। जैसे कि मुझे 89 डेज की सजा मिली थी, हमने बॉर्डर क्रॉस करके गया था सुबह 10:30 बजे पीओके में, जब हमारे जवान मारे जा रहे थे उड़ी में, उसका बदला लेने के लिए मैं प्रेरित हो चुका था। और इसलिए सेना में कोई मुंह नहीं खोल सकता, मैं आज खोल रहा हूँ। पर मेरा कोई रिश्तेदार नहीं तो पाकिस्तान में गया, मेरी नानी भी गुजरी उस सगमे से, मेरे माँ बाप बचपन से नहीं, मेरा भाई भी फौज में, मेरे पूरा परिवार फौज में। ये जितने भी जवान हैं, ये सभी जवान पीड़ित जवान हैं, इन्हें सभी ने किसी न किसी जवान ने भ्रष्टाचार उजागर किया था या जो अफसरों के घरों में काम करने के लिए मना किया था। आज इन सब जवानों को डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया गया। मेरा तो आपके सबके सामने है कि मैंने खाने का वीडियो दिखाया था, मुझे भी डिसमिस कर दिया। ये अपमान नहीं तो क्या, एक लात मार के सैनिक को उठाना, ये अपमान नहीं तो क्या है। अभी मैं जा रहा हूँ इंडिया गेट पे, इंडिया गेट पे जो भी कुछ होगा इसकी जिम्मेदारी भारत सरकार, जवान यहाँ भटके रहेगा, कुत्ते की तरह भागेगा, तो ये कौन से कहा तक उचित है ऐसे।